हाँ। यार कहाँ हो तुम लोग? कैसा भाई तुझे? तुम्हें लड़के ऐसे क्यों देखते रहते हैं? हे वहाँ क्या देख रहे हो? डरते हैं ना? अगर 10 बार देखेंगे तो शायद डर निकल जाए, इसीलिए बार बार देखते हैं। क्या ऐसा कोई है जो तुम्हें ना देखता हो? उसके लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लड़का होगा तो वो मुझे नहीं देखेगा और मुझे उसी की तलाश है। अर्जुन आ गई तेरी वाली। अब जाना। दीवार ऊंची है, उतरने तो दे। तेरे लिए ऊंची है। पता है आज का एजेंडा क्या है? क्या? आज लालच नहीं करना। भाग मत, तेरे लिए ही खड़ी है। और कोई नहीं मिली? चेयरमैन की भाई की बेटी मिली क्या? लड़की मुस्कुराकर क्या देखती है? लड़के ऐसे पागल हो जाते हैं। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके दिल में मेरे सिवा कोई और तो नहीं है। एक बार प्यार हो गया ना तो आदमी बेकार। जैसे ये अभी? की नजर, बाहर वालों की नजर, गांव वालों की नजर, अलाए बलाए। आम काटना छोड़, इधर आ, तेरी नजर उतार दूं। आना, तू नहीं आएगी तो इसकी नजर उतार दूं। ये सब क्या है माँ? राम 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 राम, देखो कितनी बूंदे टपक रही है। कितनी नजर लगी है मेरी बेटी को? कॉलेज के सारे लड़कों की नजर लगी है। इसके बाद तेरे ही पास आ रही हूँ। एक ही ड्रॉप गिरा है, नहीं लगी। बाना से हम कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही सर। एक आवारा लड़के ने गांव की लड़की को भगाकर शादी कर ली सर। हमारे लोग उसे समझाने गए थे सर, मजाक में हाथापाई हुई और वो मर गया सर। कोई डर तो नहीं है ना? अब आप जरा संभाल लीजिएगा सर, इसी उम्मीद से आपके पास आया था। हाँ, चलता हूँ सर। नमस्ते। 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 मिलते। कॉलेज से आ गई? हाँ बड़े पापा, आ गई। भैया कॉलेज में सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा, अपना ही तो कॉलेज है। अगर किसी ने कुछ कहा तो दांत तोड़ने के लिए हमारे लोग हैं ना। जैसे पढ़ाई में कुछ बेसिक्स की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में भी बेसिक्स की जरूरत होती है, जिसकी मदद से मन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही आपकी जिंदगी का न्यूटन लॉ होता है, पास्कल लॉ होता है। ठीक है, हा? कोई तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है ये जानने के लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसका भविष्य कैसा है, वो आगे बढ़ने वाला है या पीछे आने वाला है, ये जानना जरूरी है। क्या समझे? इंसान को देखकर ही उसे ना समझे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? अच्छा बुरा सोचते रहेंगे तो शादी कैसे होगी? मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करते समय अगर लड़की का रिश्ता हो जाए तो हम सबके लिए अच्छा है। माँ अगर मैं शादी करूँगी तो इनकम टैक्स ऑफिसर से ही करूँगी, इसके सिवा किसी से नहीं। यही मेरा फैसला है। क्या कहा तूने? क्यों बेटी, तुमने भी उसकी तरह सोचा है क्या? उस इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई भाई या फ्रेंड होगा ना? हाँ? मैं उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा। ऐतान। ए, बताने का सही टाइम है। तू बता दे। तू नहीं बता सकता? हमें क्या करना, अपना हिस्सा मिल जाता है ना। किसने सुना तुमने? वो छोटी छोटी बातों से फायदा उठा लेता है, इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहते हैं। वो देखो कितना बेशरम है, बीवी ने एक गिलास लस्सी पिलाई उसकी भी पब्लिसिटी कर रहा है। कुछ और से जीतना इतना आसान नहीं होगा, कंफर्म। पहले ये पी। पी तो रहा हूं। लगता है आज फिर किसी की शामत आने वाली है। यहाँ अर्जुन कौन है? किस लिए?
वो क्या है ना, हमारे चेयरमैन साहब को वोट देने वाले और वोट जुटाने वालों से बहुत प्यार है, तो मिलने बुलाया है। वोट हम देते हैं कि वो देते हैं? उनसे गाँव वो आए। कहाँ चलना है? धोखा दिया है सर, आपने हमें धोखा दिया है, वो भी बुरी तरह से। लेकिन फिर भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हम लोगों के बीच कोई दिमाग वाला तो पैदा हुआ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर, आपने मुझे धोखा दिया है सर। सर गांव में कोई जरा सा भी पढ़ लिख ले तो आप उसे जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन अब जब मेरे बेटे की बारी आई तो कहते हैं कि उसके पास अकल नहीं है। क्यों, अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या उसे दुनिया में जीने का हक नहीं? क्या वो किसी भी काम के लायक नहीं? मैंने 25 सालों से आपको अपने दिल में जगह दी है सर, और इसके बाद भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं सर, आपने जो भी किया वो किया, फिर भी मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा सर, आपको ही सपोर्ट करूंगा। ये वही है जिसके लिए आपने ये क्या है, मैंने कहा और तुमने बुला भी लिया। लड़कों की कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारी तो उम्र है लड़कियों के पीछे भागने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि लड़की खूबसूरत हो, तभी तो झंझट करने का फायदा है। कुछ सेट करना है ना तो फिर वहां जाकर सेट करो। अरे तुम जाओ ना, तुम्हें बहुत से फालतू काम करने होंगे, जाओ। ये जो अपना चिट्ठी बाबू है ना, ये अपने गांव का अपनी अकल को अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। गरम खून है और कोई काम भी नहीं है, एकदम खाली हूं, फिर मिलते हैं। आपको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? चलता हूं। अर्जुन के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, और शुरुआत इसी से करें। देख 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 उधर देख, कौन है वो? तेरा रिश्तेदार है? मैंने पहला मर्डर 20 रुपए के लिए किया था, फिर 120 रुपए के लिए, उसके बाद 400 रुपए के लिए, अब 2 लाख लेता हूं। ये फ्री है तेरी खातिर। देखो 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 देखो, शहर में सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि काम चाहे कुछ भी करूं, पब्लिक की नजर में शरीफ बने रहना मुझे आता है, इसीलिए पब्लिक को देखकर मुझे खुशी होती है। सोचता हूं सब छोड़कर सरेंडर कर दूं, जिसका काम है वो किसी तरह खुद कर ही लेगा। जब उस आदमी को मैं मार रहा था तब उसकी तड़प देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। पता है ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तो एक बार फिर से सुन लो, पब्लिक के सामने मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, प्लीज स्माइल। वो बात नहीं मानेगी तो तू हाथ नहीं हटाएगा, और तू नहीं हटाएगा तो मैं नहीं हटाऊंगा। कब तक बर्दाश्त करेगा? जब तुझ जैसे बदतमीज को इतना गुरूर है तो सोच मुझे कितना होगा। लड़की है यार, छोटी सी बात पर आंसू निकल आते हैं। वो यहाँ पर है इसलिए तू अभी तक बचा हुआ है, अगर वो हट गई तो समझ ले यहाँ पर तूफान आ जाएगा। क्या कहा था, 20 रुपए के लिए मर्डर किया, 120 रुपए के लिए मारा, कभी सोचा है कि तेरी मौत किस तरह से होगी? हंस बे, हंस ना, हंस ना, हंस। तुम जाओ बहन। आज का एजेंडा ये है कि चुपचाप दाढ़ी बनवा लो। और मैं बनाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज संडे है ना, घर में बहुत बोर हो रही थी, और तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर हो,
तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाऊंगी तो टाइम पास हो जाएगा। मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाऊं? नहीं, तुम रहने दो। बनाने दो ना। कहा ना रहने दो, मुझे आता नहीं है, लाओ दो ना। दे दो दे दो। टाइम पास के लिए लड़कों को अच्छा काम है। ये सैलून की तरफ से नहीं है बेटा, इतना ही शौक है तो अपनी लेके आ। ए, देखिए। निकलो, ए, चलो सब जाओ यहाँ से, नहीं दे रहा, चलो निकलो यहाँ से, बॉल चलो, जाओ तुझे, चलो बॉल चलो, कोई वॉलीबॉल नहीं होगा, चलो ज़्यादा मत बोलना समझे, ज़्यादा मत बोलो, काम होगा, चल काम कर अपना, ये शराब बन रही है, वहाँ से निकाल, नहीं यहाँ वॉलीबॉल होगा ना फुटबॉल होगा, कहाँ ना जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अगले दो दिन तक इस ग्राउंड में कोई भी पैर नहीं रखेगा, यहाँ हमारे चेयरमैन साहब मीटिंग रखने वाले हैं। मीटिंग अपने घर में रखो, हम यहीं खेलेंगे। और तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, ना तुम वोट डालते हो ना खेलते हो। बहुत बोल लिया, आगे कुछ बोला ना तो सब लोग पिटोगे। ए, तुम लोग बार बार झगड़ने की कोशिश कर रहे हो, हमें गुस्सा आ गया तो छोड़ेंगे नहीं, और हमें गुस्सा आ गया तो तू सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। ए, तू इन्हें हटा, मैं देखता हूं। ए, एक बार बोला ना यहाँ मीटिंग होगी, बंद करो ये सब। मीटिंग वीटिंग जो भी करना है वो अपने घर पे करो, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सिस्टम को मानते हैं इसलिए अभी तक चुप हैं, वरना अभी तक सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया होता। जितने तुम लोग हो उतने हमारे घर में नौकर हैं, गिने चुने हो तुम लोग, याद रखना। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हिम्मत है तो आजा। किसी देता है? तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? ना तो यहाँ कोई कम है ना तो यहाँ कोई ज्यादा है, प्रजा ही भगवान है। डेमोक्रेटिक इंडिया, अधिकार के लिए अत्याचार, सत्ता पाने के बाद अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए तुम जैसे बेकार नौजवानों से गलत काम करवाते हैं, यही है हमारे देश की खासियत। जो चल रहा है उसे रोकना होगा, और ये तभी होगा जब जनता जागेगी। प्रजातंत्र में प्रजा भगवान होती है, उसे भगवान बनना पड़ेगा। ये बहुत बकवास कर रहा है चाचा। अबे कहाँ जा रहा है, तेरी औकात क्या है, एक बार मार खा के पेट नहीं भरा, चल पीछे, दोनों टाइम खाने को मिलता है ना। सिर्फ अर्जुन के साथ ही नहीं, अगर किसी के साथ भी गलत किया तो यही रिएक्शन होगा, बोल दे जाके चेयरमैन से। हमारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खिसक लें। ए, चलो यहाँ से। आज का एजेंडा पता है, कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। एक तरफ इलेक्शन है और दूसरी तरफ फैमिली की इज्जत, किस पे ध्यान दूं किस पे ध्यान ना दूं, पहले लड़कों पर ध्यान दूं या फिर इलेक्शन के बारे में सोचूं। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा। 360 डिग्री तक पूरा देखना होगा, किस एंगल से कहां से। उसके बाद सुन, अभी उसके बाप को मत बताना। एक बात बता, वो जो अर्जुन से लड़ाई हुई थी तो एक लड़का मुझसे मिला था ना, जो उसके सपोर्ट में कुछ बातें कह रहा था, याद है? वो कहां है? देखो देखो चेयरमैन साहब आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते साहब, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते साहब। सर
कहाँ का है ये? सोलापुर का, दूसरे राज्य का है। ये कहाँ पैदा हुआ है, बीज कहाँ से आया, किसने पैदा किया, अगर देखा जाए तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये सब पता करना चाहिए। महानुभव जी, हम आपके लिए ही आए हैं। आपके बेटे को देखा, अच्छा दिखता है वो, बात भी अच्छी करता है, हाइट वाइट अच्छी है काफी उसकी, दिमाग भी तेज है, तो बस वही देखने चला आया कि आखिर उसे ये सब खूबियां मिली कहाँ से हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है साहब कि आपके जैसा पारखी इंसान उसकी तारीफ कर रहा है। वैसे सब उसकी तारीफ ही करते हैं, पर ऐसे लड़के को कितना संभाल कर रखना चाहिए जानते हो ना, वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, सब ख्याल रखना चाहिए, इस प्याज की तरह। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी समझ में तो अपने बेटे की बातें भी नहीं आती, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछता भी नहीं। और साहब, मुझे तो आपके यहाँ आने का मकसद भी नहीं समझ में आ रहा, तो पूछ सकता हूँ क्या? मैं किसी के सामने झुकता नहीं। वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। मेरा बेटा भी किसी के सामने नहीं झुकता, मेरा बेटा भी इस प्याज की तरह है। चाहे कच्चा खा लो, चाहे चटनी बना लो, चाहे सब्जी में मिला लो। वक्त आने पर धरती को प्याज की तरह घुमा दूंगा।